पंचायन, अब मैं तेरे को कल्लू की कथा का आया हूँ। चूल्हे में जा रहा तुम्हारी कथा हो सर, चल नहीं बिहार के जाओ। हो कहाँगा तो यार? हो कहाँगा वो? जब सत्यनारायण की कथा एक कोने में धर दो, नहीं तो धर दो। हम से अच्छो न जान हो। कथा कहन तो जाने ही आए गाँव में। नहीं जाने, बिल्कुल नहीं जाने कथा कर भी। अब ते काल कत्ती के हो कहते जो बात करो। गाँव में एक ही आदमी आ रहे, वो काल मास्टर पर मर जाती थे कि बच्चन की फीस जमा कर दो। तुम्हें अपने मन से नहीं लग रहा कि आदमी आ रहा घरे, अच्छो लग रहा तुम्हें? अरे माँ सीताराम। जय सियाराम भैया, जय सियाराम। तनक मुआ गए थे पप्पू लो कथा हटिया। अब बैठ तक है जाने का कहे यार, बताओ। सत्यनारायण बच या पप्पू लो, तुम खुश से दिखाया हमें। अरे हम तो हमेशा खुश रहते आए। काटे आ कौन हुआ का? अब कर आए ऐसी बात कहे काटे आए? बताओ सत्यनारायण कहे आए उनकी? तो काटे हजार से कोटूंगा। अरे भैया हजार रुपया को आदि दक्षिणा है, 250 रुपया मिला दिया। तुम्हारा सही है काम महाराज, इतने तो देखो तुम घाम में लगे लगे थे, पसीना चचा जा। अरे भैया तुम तो जा जी घर में घुस गए से बुलाया, चूतिया दो चार 500 ले लिया है। अरे जो है कछुड़िया थे ऐसो कछुड़िया। अरे ठीक है महाराज, जो कोई जो न काम कर है कोई जानत वो तो पता है, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी तो चांदी चांदी है। देखो ये हाउ मिल गया हजार से कुआ काट आया, जो बैठ पालू तुम सांप के घोड़े सांप खाने खाद हो। अरे हाउ अब जा रहा है हमें। ठीक है वो कौन जाए काटने का? अरे नहीं आया। राधे श्याम राधे श्याम। पंडितान। हाँ पंडित जी। अरे तेरा पानी तो ले आओ। हाँ ले आई थे एक गिलास पानी। ले आओ ले आओ, प्यास लगी भाई। इतना का है के खाप गए थे, जा नहीं खा ला ठरूला अरूला। अब वो कहे नॉन में ज्यादा है तो से प्यास अलग ही आई। ले आओ जल्दी। ले आई थे आज तो ले आई ने अच्छी मिठाई खाई खा के ला ना खूब सारो। जा पहुंच ले लो पंडित जी, पी लो। हाँ हाँ ले आओ ले आओ। ओ जा गई का गई पी तो लो पहले पानी के मैं बताऊं। हाँ हाँ लो बताओ। जा कई हमारे लाने कछु ले आए हो? अब तुम्हारा ने कहा लिया होने तो कहे कछु खा भी लिया है। अरे आज ऐसे जजमान से पालो पड़ो है, कम से कम 3-4 किलो तो सेव फल हते थे है, और 2 किलो हती बूंदी। अकेले जितनी टाइम लो सत्यनारायण होते रही सो सब धोरा होते है। वो जैसे ही सत्यनारायण बची है सो जजमान ने सब सह काओ भीता है। हाँ है कछु नहीं दावो पड़ो कंजूस है जजमान। देख लो तुम कछु पैसा ऐसा ले आए के नहीं? अब जाकर मैं तेरा पंजीरी है पौगा हाँ। और भी दाय चमा है मौका है तनक मैं नोन की झिनी हूं जे हाँ। और दक्षिणा में उन्होंने भी 100 रुपये दे दी आज। अब का बताए हम तो परेशान हो गए। अब भी बाल बच्चन की पढ़ाई लिखाई जाने है, उन्हें पढ़ाने लिखाने नहीं है, तुम जो बता दो हमें। अब स्कूल जात तो है देखो जात नो मास्टर फीस मांगत। तब फीस मांगा तो 100 रुपया मिले फीस के कैमे हो जब उन्हें कहा तुम्हारे 100 पट्टी में जो बता दो। पूरे गांव भरे के बच्चा पढ़ रहा इंग्लिश मीडियम में, अब तुम्हारे सरकारी में डरे है तो मैं नहीं आगे सोच रहे कि का हमारे बच्चा सोई आगे चल के कछु नाव कमाए भविष्य बन जाए उनको। लेकिन जब सत्यनारायण की कथा छोड़ के कछु अच्छो काम मुड़े आलू तो हम वो काय लगी। देखियो गांव को आदमी अलग से जाओ कात के पंडित जी आओ तो 5 मिनट उन्हें गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा करो, वो बोले चाचा 500 रुपया ले जा। अच्छा ये तो ये हमारी गलती है, अपन जो पुसरू से चलो आयो काम दद्दा भाई है कहता सो पन्हा करने वो तो दद्दा भाई की में लगो तुम ठीक है। दस दवाई का करते कानी करते खून जमाने की बात है कर रहे तुम। अब एको देखो आज को परो को ना देखो। तो का कहने लगे बताओ? कछु अच्छो काम देख लो, जो सत्यनारायण की कथा एक कोने में रख दू। तो बताओ फिर कोगे गांव में ब्याह बन जो सुन के नाव धन्य भावने पढ़ने काका जी काका छोड़ दे भी सु। हम कछु नहीं जाना तो दी सब काम छोड़ने आए, हमें अपने बाल बच्चा ना पढ़ाऊंगे लिखाऊंगे उनको भविष्य बनाऊंगे, हमें तुम्हारे उम्र नहीं चल लिया। तुम तो जब कथा छोड़ के सत्यनारायण की और कछु अच्छु काम पकड़ो नहीं तो हम नहीं जानत कछु नहीं। अब कहा कही हमारा तो कछु दिमाग का ही काम नहीं कहता। वो ऊपर से देखियो शासन अलग से पे पंडित जी के लेकर हाँ फीस ज्यादा लगे है। ए कछु माफ नहीं हो सका था कछु पंडित जी क्या
पंडितन है तो मरना है ए? अब जो नहीं सुन भैया कछु आदमी गरीब भी हो कछु अमीर हो और जो नहीं देखाता छात्र वृत्ति है सो बा राशन है सो कौन राशन कार्ड नहीं बन सका था पंडित जी हमने कहा करने और का तो हमारा कछु दिमाग काम नहीं करते पंडित ही छोड़ देवे के कछु खेती किसानी कह लगा परदेश कर जावे परदेश कर जाओ चाहे खेती किसानी करन लगो मैं कछु नहीं जाना तुम जब पंडित आई छोड़ दो जब सत्यनारायण की कथा बीच में ना बेड़ो वो ना करवाऊंगी हमें हमारी तो जिंदगी बर्बाद भाई जात ओ माय बिमाल बच्चन की जिंदगी बर्बाद भाई जात सब बता ते बता मैं का कह लगू जो बताओ पहले हमें जो 100 रुपए पट्टी में काका कर ले हो बाल बच्चन की फीस भर हो के रिश्तेदारी में जो ब्याह हुआ हो वे सु ब्याह में जाने सु कर हो जो बताओ का करेंगा हो तुम का बताइए अब ना जो बाल बच्चन को भाद हो वही तो मैं कहा अगर जब पंडिता ही छोड़े दे अपने जो पूर्वज हैं जेठे पुरानी तो उनकी आत्मा हाँ ठेस पहुंचे के बताओ ने या सत्यनारायण की कथा छोड़ दी जो मुझे पता है कि 7 पीढ़ी से जो अपने घर में पूजा पाठ चलाता पंडित आई करता रहे करते अगर कैद है तो जो बाल बच्चन को भविष्य खराब हो जात हाँ। अगर आज कोनो काम धंधा कैद होते तो अपने बच्चा भी कऊ ग्वालियर में कऊ भोपाल में इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़त होते कि जी काम छोड़ दो अब तुम भाड़ में जान दो मैं कछु नहीं जाना तो हमें तो मुंह तो बोलन का बता दो मैं मुंह तो जो लगत के बताओ 7 23 से होता अब छोड़ दे तो अपने जेठे पुराने का के बताओ तो मैं काका ना मुंह नहीं सुनने तो भाई जब पंचे आठ का छू नहीं मुंह तो ब्याह में जाने वो बाल बच्चन की फीस भरने क्या जो कछु करो अब तुम अब का बताइए पंडिताइन सोचत तो मैं हूँ छोड़ दिल के दो भाग्य है कि भगवान ने जा गरीबी दई तंग पे गांव में कड़े कह पंडित जी लगाया है चूना अब बता उन्हें नहीं है पता कि हमारे घर में क्या स्थिति है उन्हें कोनो मतलब चूना लगाया है अपन बता सस्ते में कर रहा है जे पैसा मतलब जे में कहे लेकिन भगवान ने कहा कि गरीब बना दो और गरीब के संगे संगे जात धारी का पंडित जी न बच्चना इसके न कोनो ढंग से फीस न किताबें न राशन कछु नहीं मिला तो पंडित जी यहाँ बैठो कछु नहीं आप टेंशन न लो पंडित जी भगवान करे हित को ठीक है एक ना एक दिन भलो हुजे और ना होए सुमोरी भी पाले रखी हूँ मंगल सूत्र रखू भीतर सुगाने रखे आओ सुबाल बच्चन की फीस भर दीजिए और का कहा रिश्तेदारी में जो ब्याह है सु ब्याह करे आज तो जो बेचारा पंडिताइन मोवा है कभी अपने जन्म जमाने सच होता और काम और खन से होता और छोड़ ना दो जैसा भी है कहे चलो भगवान तो देखता ही है वो तो कर है इच्छा करे ना करे का एक आध दिन समय लौटे अपन को भी लौटे वो तो लौटे ना लौटे बिल्कुल लौटे सो तुम भी पायल देता यू हमें हाँ मैं सोनी लोग गाने धाया हूँ हाँ बच्चन की फीस भाई जाए हाँ और फिर देखो अब भाई नौ दो का होन जाओ की चालू हाँ सो फिर तो गेना मिलने हवन पूजन कहे हाँ तो भगवान लगाई दे पाए धीरे धीरे बाकी जो अपने कर्म पेरी से चले जाए हाँ छोड़न ना दो ठीक है चलो तो चलिए हाँ चलो जो धारी में वो है का पंजीरी हुई जे हाँ हाँ मैं धारी ठीक है हाँ राधे श्याम राधे अरे महाराज कहाँ गए ओ महाराज तू नहीं दिखा रहा हुआ पंडिताइन ओ पंडिताइन वो अच्छा सारा गए आओ मास्टर बैठो कपड़ा गिरे भाई जात हमारे अरे बच्चन की पढ़ाई की फीस डरी कोचिंग की हाँ डरी है तो कब लुआ बच्चों के ने आपका बता मास्टर लेकिन जा है कि परेशानी है तना बाल बच्चन की वो पता है कि फीस इस तो डरी है अभी पंडित जी जात है कहूँ 100 रुपया कहूँ 10 रुपया कहूँ 50 रुपया वित्ते में घर को खर्च निकलने का रहता हमारा तो अगर पैसा चुका पाओ है तो पढ़ाऊ नहीं तो घर बैठा रहो जैसे मैंने हम फीस तो भरवाई दे रहे मैंने कही है उनसे के मोरी पायलो मंगल सूत्र रखे सुबह रख दो गाने इनसे कहा करने और सब बच्चन के बा मताई सबरे टाइम पे पहुंचा दे पैसा तुम्हारे लेटा हो जा अरे तना गरीब आदमन की सुनने आओ वो पंडिता पुण्य मिल है तना अरे तो यह सब पुण्य नहीं चाहने हमें यह सब पुण्य नहीं चाहने यहाँ आओ सुनो तो मास्टर अब तना भेंट नहीं आओ
गांव पुरा के आदमी अपन और ये सो थोड़ी करू जाते। पंडित जी आ जाए तो भजा दियो घर। हाँ हाँ जाइए और हाँ हाँ ठीक है, हमें भी टाइम नहीं है और जाने हमें घर। अबे जी दिल दे गए थे देखवे के लाने, बताओ तो मास्टर करे आऊ लगी पंडित जी से के आ रही के कछु काम करन लगो। ये आदमी का नहीं कछु जस सत्यनारायण की कथा खाए जा रही, ना बाल बच्चे पढ़ा पा रहे ना लिखा पा रहे, उनको भविष्य खराब भाव जा रहा हूँ, हमारी तो इन्हें जिंदगी बर्बाद कर दे। आजा जा पंडित जी फिर मैं बताऊ, अगर मैंने जब कथा बंद न करवाई तो मोह भी मोहिनी रखे है देखत में। अरे पंडित जी कहाँ जा रहा है आज, लो हम चला आजे। बस बस धोखा कहाँ जा आया, कहाँ का मौका फसला, कहाँ काट बेजा जजमाने ना। अरे भज्जा तुम जब धोजा तुम कल काट बेजा काट बे नो जाए। हाँ अब हमारा धंधो ही का है वही का। कोई खेती किसान या हम कहते हैं उनके तक तहलाड़ आन जात। तुम्हारा धंधा बढ़िया है, हम अच्छे से मर जाए। अरे वो तमेला के तुम्हारा धंधा साजो है, तुम्हारे बच्चा अच्छे पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम में, हमारा बच्चा भी सहकारी में रहे और फीस नहीं कह पा रहा है जमा, और तुम कह काट भी जा रहे को भैया जहाँ जा तो 150 रुपये टिका मिला। 150 का है बोला तुम जाए उतना कछू नहीं मिला, कहो 100 को टीका कह देवे तो 50 ही मिलवे। अरे इतने को नहीं दे आजकल। अब भैया तुम्हें यहाँ लगा थे वो हम कैश तो हमें है पतो। हाओ हाओ अब तुम्हें तो दुकान मिल जाओ भैया कितने से काट गया पंडित जी। अब पंडित जी तो 2 घंटा करने कथा। अरे तो तुम्हें बैठो ही बैठो तो करने आओ। अरे तो करने तो आउता ही है तो हमें तो घाम दुपाई में जाना का करने आओ। अब तुम भलाई काट के दुपाई में हो घाम में तो देखो तुम्हारे छत डाय गए। बाल बच्चे अच्छे पढ़ रहे, हमारे तो बेई टूटी टपाइया हती पहला की आज है बेई। अगर कोनो धंधो पानी कैद होते आज हम तो हमारे भी ऐसा ही हो तो, लेकिन हम तो बेई ले के भैया हमारे बूढ़े पुराने कैद आए तो छोड़ नहीं सकत। अरे महाराज कहाँ का पैदे है तुम, छता में डाल प्लाट दो तीन तीन। अरे तो मैं लगा छता है तुमका प्लाट मोटरसाइकिल लिंग घाय में प्लाट कहा मिल रहा। अरे तो तुम गाँव के देख यहाँ लगेगा बोले हम लोग का छुनिया तुम बाहर तुम्हारा बहुत कहा हुआ चल रहा हो भज्जा का। यहाँ फालतू की बात सुना है न प्लाट न कछु साइकिल तो हम जाते हैं नामा है और तुम काट के प्लाट। अरे तो वो देखे के लाने का, चलो हम चलो गरीब के गरीब हैं जो धंधो कोई न कर पाए हमारा। अरे ऐसा कछु नहीं है भज्जा, गरीबी यह है वो उपाय से जो शासन गरीबी दे बोले ना कछु ना मिल जाए न छात्रवृत्ति न इसके लिए जमाने भाई के कुल शासन की इतनी योजना है कछु मिलती ही नहीं है। अरे वो तो तुम सब घुमा रहे घुमा लेते तो घुमाने। अब भैया तुम्हें कौन विश्वास है कौन है। अरे पंडित जी राम राम। राम राम भैया राम 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 राम। और जो अकई मैंने तुम्हारे घरे गए थे हम तो पंडित आज मिली थी। अच्छा तो बच्चन की फीस चुका देते हो कि कोचिंग की। अब भैया कोचिंग की अब का है क्या परेशानी है अबे हाल। अच्छा तेरा 2-4 महीना हो कम खाया सो तुम्हारे खट्टे दे रहे भी हम। अब नहीं खाने कम अब नहीं खाने नहीं तो देखो बच्चा ना घरे बैठा रहा। अब भैया परेशान हो तो हमें इतनी परेशानी ना होती। तुम पंडित जी हो गए तुम्हारे कहने कमियां है का। बस जा जात है जो को है जो को। अब एक लड़का होते मतलब हैंडपंप पे तुम्हारे प्लाट अलग गए प्लाट बताओ भैया हम तुम्हें का कहे सीना फाड़ के दिखा दें। अब सीना फाड़ के का दिखा दे। अब जैसी परेशानी हमें है तो हम जानत ना है हमारा। तुम भी पंडित जी ये महीना के पैसा दे दो, 4 महीना होगा बच्चन की फीस नहीं आज। चलो हम कहे थे व्यवस्था तुम्हें का वहाँ दे थे व्यवस्था कह दे नहीं दिखाए बैठा बच्चन। हाँ भज्जा हमारा तो भविष्य जैसो है सो है ही है कम से कम बिता लिख पा जो को लगे ना बच्चन का भविष्य बना रहे तो उन्हें पढ़ाओ टाइम पे भेज दो बच्चन। बिल्कुल भगत तुम्हारी फीस आ जाए बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है पंडित जय राम जी। जय राम जी पंडितन। अब मैं तेरे को कल्लू की कथा कह रहा हूँ चूल्हे में जा रहा तुम्हारी कथा हो सब सुन ली बिहारन के जाओ। हो कहा गो तो यार हो कहा गो आज जस सत्यनारायण की कथा एक कोने में धर दो नहीं तो धर दो हम से अच्छो न जान हो। हां कहन तो जाने ही आए गांव में नहीं जाने बिल्कुल नहीं जाने कथा कर भी। अब ते काल कत्ती के हो कहत रे जो बात हो गांव के आदमी आ रहे उ काल मास्टर पे मर आओ तू ते के बच्चन की फीस जमा कर दो। तुम्हें अपने मन से नहीं लग रहा कि आदमी आ रहा घरे अच्छो लग रहा तुम्हें तो धीरे धीरे चुक जे। हां मैं नहीं चुकाऊंगा को धीरे धीरे नहीं तुम तो जाओ
और कछु काम तलाश के आओ। हम बताओ का कहन लगी चार कसलो डाल लो 300 रुपए जमेले मैं तुम्हारे 100 रुपए पट्टी में पूरे दिन निकल जात। तब अब उस बता सुबह भगाता तू के महाराज मोई सत्यनारायण का आवा दो। मैं नहीं जाना कछु नहीं। सुनो अगर तुम तसला डार हो तो 300 रुपया मिल है मंजूरी 300 मिला तो ले बार खान। तो काके गांव के आदमी के जे तसला डाल ले पंडित जी तो गांव का गांव की खवा दे है का तुम्हें जो गांव के तो खवा तो ना दे ना जा सो कुगा मा जा सो खाई अगर जो कर सो घाय गेस्ती के से चलत वो कहू के तहला डान जात है सो गांव कहा कहना बताओ पंडित जी तहला डान लगे जो कछु काए हमें कछु नहीं सुनने काम तो तलाशो तुम तो अच्छो बस। तो हमें तनक जा कथा का आऊं दो और फिर हम इसके बाद धीरे धीरे कहन लगवी। सही बताओ हाँ हम कछु ना हो तो अपनी खेती बाड़ी कहन लगवी फिर का कर बताओ है तो जात हमें तो मैं कथा का आऊं तो गुस्सा ना हो है आज तो करे लास्ट टाइम है तोरो ठीक है आज कथा करे आओ भयाने से अगर काम न तला सो तो मुंह से अच्छो ना जाने नहीं तो जल है ना मैं फेंक दे हूं चूल्हे में धार। अब जो ना का भगवान बैठे हूं मैं भगवान बैठे भी भगवान कौन कछु दे आ रहे बे भगवान जाने कहां से का लगा दे पार न जा तो चिंता ना कर और बाल बच्चा ना कोचिंग पैसा पर खुरा के कोचिंग भेज दे वो नहीं का भेजने वो मास्टर का तो के अपने बच्चा ना पढ़ाने लिखाने उस फीस जमा करो गांव भरे के आदमी टाइम से फीस जमा कर दे और तुम हो सो तुम्हारी फीस नहीं हो जमा तो अपने घर में बैठा रहो बच्चा। मैंने मास्टर है समझा दो उन्हें कि भज्जा दो चार महीना का खा जा तू पैसा चुका दो मैं। अच्छा मास्टर है समझा दो तो मैंने आओ तुम्हारी बात मानना है मास्टर तब मैं कब जिंदगी गुलामी कर दे। अरे पंडिताएं हमें गली में मिल गए तो हमने उन्हें समझा तो भज्जा हर तरह परेशानी है तो पैसा मिल गए हैं जाओ करे आओ कथा तेर तुम तेर तसली तो कहो नौ दरगाह लगन चाहू थी नौ दरगाह लगन चाहिए तो कौन हमें नौ दरगाह हड़ा दे दे रहे अरे तो फिर भी खा जा पानी कढ़ाई जाए अब चले जाओ आओ गुस्सा नहीं होने आओ देखो भगवान को कह जाए भजन अपन तो कर गए तो कहो मिली 200 तो ही रहेगा सो पंडित जी ऐसो काम है कान नहीं लगा तो कि कैसो हान हुआ है पनवेसरो मोतवाल तो लनन्या मोरी मताई काओ करती हूँ मोरी बाई काओ करती लेकिन मुझे नहीं आता है हानो नहीं तो मैं क्या कर सोई बताऊती कौन उन्हें दे दे दो लोचाई सो लोचाई खा लाई कौन उन्हें एक गिलास पानी पूछ रहा सो पंडित जी सीताराम 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 पटक गए टाठी लोटा झटक गए ऐसो काम आदमी का कुछ काम नहीं है गाँव में कर दे है डोला वो माँ से डोला ता दे घर वो बस वो बटुका में से निकाल है सुपारी तमाकू सु कतर कतर खे भंग को मुंह भर है ओ कछु नहीं है ओ जजमान ना संगे खवाऊ खुद गांठ को खोदा खवा दी थे एक रुपये तो मिलत जरूरत नहीं है इसका वो बस फिर है पूंदन पे हाथ और धूलत पड़ा और चल हुआ है ऐसा काम है तो भैया हरो राम 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 राम। कैसी लगी वीडियो कमेंट में लिख के बताएं और ये बात सत्य है कि जितना योगदान जो गांव में अपने रात हैं पंडित जी तो चाहे दक्षिणा में 100 मिल जाए चाहे 50 मिल जाए वे कभी नहीं काट के हैं भैया हमारा लाना जितने होने नहीं है कि हम आप खर्चा चल ले नहीं है और फिर भी आदमी उनसे जे ही काट रहा पंडित जी हंसा के बोलिया तुम काट आए उन्हें कहूँ जो कर आए तो ऐसा नहीं है तो हर इंसान अमीर नहीं होता ना हर इंसान गरीब होता तो ये हर चीज परिस्थितियां देखने आती है को आदमी कितने लायक है ओके नहीं है अब जो नहीं के बोले पंडित जी कथा का है वैसे बोले तो काट है यार तो वे काट नहीं आए वे केवल लगे हैं कि हमारे पूर्वज कहे तो आए शुरू से सत्यनारायण की कथा तो हमें भी करने अंत होने का भी तो कल छोड़े दे तुम्हें 100 रुपये पट्टी पकड़ा दे मैं कहा होने बताओ आज के समय के अनुसार 100 रुपया का तो आदमी खर्चा कर डाल है तो कम से कम बिलात नहीं है तो इतना हो जाए कि हाँ उनके खर्चा लाग हो जाए कि आज भी पूरे दिन तुम्हारा घर बने रहे पंडित ना दान करे से कभू भंडारो कमत नहीं है कमत नहीं है और भर जात भर जात दुगने राज करत आदमी तो भैया हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने है कि पंडित जी कुहा काट रहे अगर तुम ना क्यों तो कहे तुम्हारे घर पद के नहीं पहुंच जा सकते कथा कहे के लाने जब तुम्हें काट तुम्हें जात तो बाकी उनका ये तो भी ना गिराओ कि तुम 100 रुपया को टीका कह दू ये तो कभू मुंह से तो काट नो उन्होंने कभी काने पंडितन को काम ही नहीं है हाँ, और एक और निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो में कोनू भी कहूं भी धोखे से भी गलती हो गई
तो बच्चा समझ के माफ कर दियो। एक हल्को सो प्रयास हतो तो बस केवल एक कहानी मिली, एक जन है हमारे पंडित जी, उन्हें वह कहानी दई कि बेटा तुम यह कहानी शूट करो, अच्छी तुम्हारी वीडियो लगे और सबके पास एक संदेश पहुंचे। यही सजा वीडियो शूट करी, जहां भी गलतियां भाई हों तो बच्चा समझ के माफ कर दियो। जय बुंदेलखंड, जय भारत।